28 मार्च वर्ष 1965 में मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए अलाबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। उस समय मार्टिन लूथर काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा मकसद श्वेत व्यक्ति को शर्मिंदा करना नहीं बल्कि उसकी दोस्ती और भरोसा जीतना है। प्रांत के गवर्नर जॉर्ज वॉलेस ने मार्टिन लूथर किंग के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये मार्च अमेरिका में नागरिक अधिकारों का कानून बनने के कुछ ही महीने के बाद हुआ था। इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई राज्यों ने ऐसे कई कदम उठाए ताकि इस कानून को लागू करने से बच सकें। अमेरिकी समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए मार्टिन को महज 35 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है।